नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम अमेरिकन हॉरर फिल्म सॉ एक्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि सॉ फिल्म सीरीज का 10th इंस्टॉलमेंट है। कहानी एक बुड्ढे जॉन की है जिसके साथ एक फ्रॉड होता है, जिसके बाद वो सबको सजा देता है जिसने उसके साथ ये किया होता है। इस फिल्म में दिखाए गए सीन काफी खतरनाक और दिल लुभा लेने वाले हैं, और अंत तक जरूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल रूम के अंदर सीटी स्कैन करा रहा होता है। ये है जॉन कर्मर, सब इसे जिगसॉ के नाम से भी जानते हैं, जिसने सॉ सीरीज के पिछले पार्ट को देखा है। जॉन उसी के साथ कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहा था, लेकिन अब वो एकदम ठीक दिख रहा था। हेनरी से कहते हैं कि उसने वहाँ नर्स से पूछा है, शायद तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में बताना अलाउड नहीं है। जिसमें वो उस नर्स से कहती है कि आपके डॉक्टर आपको कल सारा रिजल्ट बता देंगे। सीन फिर एक रूम में शिफ्ट होता है जहाँ सारे पेशेंट्स मिलकर अपने अपने बीमारी के बारे में बता रहे होते हैं। उस रूम में हम हेनरी को भी देखते हैं, जो कि सबको बताता है कि उसको पैनक्रियाटिक कैंसर है। अगले दिन जॉन जब डॉक्टर से मिलता है, तब वो जॉन को बताता है कि असल में उसको ब्रेन कैंसर है और उसके पास जीने के बस कुछ ही महीने बचे हैं। जॉन कहता है कि उसे बहुत सारे काम खत्म करने हैं, जिस पे डॉक्टर कहता है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, इसलिए आप रिटायरमेंट ले लीजिए। जॉन जब वापस जा रहा होता है, तब वो हॉस्पिटल के एक हाउसकीपर को देखता है, जो कि एक रूम के अंदर आके उस पेशेंट के सामान को चुराने की कोशिश कर रहा था। जॉन उसको खिड़की से देखे जा रहा था, तभी जॉन कुछ सोचता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। जॉन ने उस लड़के को एक जगह पर बांध रखा था और उसकी आंखों पर वैक्यूम पाइप लगा रखे थे। उसके हाथ किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज से बांध रखा था। जॉन उस लड़के से कहता है कि तुम्हारे पास 60 सेकंड है एक सही नंबर डायल करने के लिए, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। टाइम स्टार्ट हो जाता है और वो लड़का पहले नंबर गलत दबा देता है और उसकी एक अंगुली टूट जाती है। 3 बार ऐसे ही गलत नंबर डायल करने से उसकी 3 अंगुलियां टूट जाती है, और इधर धीरे धीरे 60 सेकंड खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो वैक्यूम पाइप स्टार्ट हो जाता है और उसके दोनों आंखें बाहर आके एक ग्लास के कंटेनर में गिर जाती है। ये सीन वैसे बहुत ही डरावना था। एट प्रेजेंट वो लड़का जॉन को देख लेता है और सारे सामान को वापस रख लेता है, वहाँ से चला जाता है। सीन फिर एक कैफे के बाहर शिफ्ट होता है जहाँ जॉन बैठा होता है, तभी उसकी मुलाकात हेनरी से होती है, जो कि मेक्सिको सिटी में डॉक्टर पेडरसन के यहाँ से अपना इलाज करवाया था, जिसके बाद वो एकदम ठीक हो गया था। वो बताता है कि ऑपरेशन के दौरान उन लोगों ने कुछ ड्रग्स यूज किए थे जिसकी कैंसर सेल को कम्प्लीटली मार दिया जा सके। वो ये भी बताता है कि ये मेडिसिन अभी अप्रूव नहीं हुआ है, इसलिए वो लोग इसे हर जगह यूज नहीं करते अभी। वो अपना शर्ट उठा के जॉन को दिखाता है, जहां हम हेनरी के पेट में एक बड़ा सा निशान देखते हैं, जो कि ऑपरेशन था। हेनरी कहता है कि ये देखने में एकदम अच्छा नहीं है, लेकिन ये काम कर गया। वो जॉन को पेडरसन का नंबर लिख के दे देता है और कहता है कि तुम उनसे बात कर सको और चिंता मत करो, तुम भी ठीक हो जाओगे। जॉन घर आके पेडरसन के बारे में सर्च करता है और उसको कुछ इंटरव्यू भी देखता है। वो वेबसाइट में जाके पेडरसन की बेटी सिसिलिया की एक इंटरव्यू देखता है, जहां वो ये बता रही होती है कि उसके पिताजी को गवर्नमेंट ने फ्रॉड कहकर बाहर निकाल दिया है, जिसके कारण उसको बाहर कहीं छुपना पड़ा। वो ये भी बताती है कि ये इलाज बहुत ही कम पैसे में हम करते हैं, जिससे कि काफी सारी ड्रग्स कंपनी को घाटा होता है, और इसलिए उन लोगों ने उसको बैन कर दिया है। जॉन वहाँ वेबसाइट में एक मैसेज भेज देता है। रात को जॉन के फोन में कॉल आता है, जो कि सिसिलिया ने किया होता है। सिसिलिया जॉन को बताती है कि उसने उनके मेडिकल रिपोर्ट और मैसेज मिला, और वो लोग उनका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। जॉन सिसिलिया से ऑपरेशन का मेथड पूछता है, जिसपे वो बताती है कि हम असल में इस ट्रीटमेंट को क्रियो सर्जरी से कंबाइन करेंगे बीमारी को मिटाने के लिए, और इसका सक्सेस रेट 90% से भी ज़्यादा है। वो ये भी कहती है कि हम अगले 3 महीने में कुछ और पेशेंट का एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन आपके पास उतना वक्त नहीं है, हमारे यहाँ एक स्लॉट खाली है, तो आप इसमें इंटरेस्टेड है? जॉन कहता है कि हाँ, मैं ये करवाना चाहता हूँ। सिसिलिया कहती है कि वो लोग मेक्सिको सिटी के बाहर एक जगह पर काम करती है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपके लिए एक ड्राइवर भेज दूंगी। मेक्सिको सिटी पहुंचने के बाद जॉन एक ड्राइवर से मिलता है जिसका नाम है डियागो, और वो उसे मेक्सिको सिटी के बारे में बताता है और हॉस्पिटल की तरफ चल देता है। रास्ते में एक वैन आके उनका रास्ता रोक देते हैं और जॉन से उसका नाम पूछते हैं। नाम बताने पर वो लोग जॉन को बड़े ही अच्छे तरीके से वैन में डाल के एक बिल्डिंग में ले आते हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ आपको आपका रूम मिल जाएगा। तभी उस बिल्डिंग में से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम है ग्रेबिलिया। वो जॉन का स्वागत करती है और उसको अपने कमरे तक ले जाती है। जॉन पूछता है कि डॉक्टर सिसिलिया कब आएगी, जिसपे वो कहती है कि कुछ देर में आ जाएगी। वो ये भी बताती है कि सिसिलिया ने उसकी भी जान बचाई है। कुछ देर बाद सिसिलिया वहाँ आती है और जॉन से मिलती है। वो जॉन से कहती है कि आइए, आपको मैं अपने टीम से मिलवाती हूँ। बाहर जाते वक्त जॉन एक बच्चे को देखता है, जो कि वहाँ फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है।
सिसिलिया जॉन से कहती है कि ये कार्लोस है और इसके पिता हमारे यहाँ केयर टेकर है। इसके बाद वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। सिसिलिया जॉन से कहती है कि यहाँ पहले केमिकल की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन अब हमारा हॉस्पिटल है। सिसिलिया जॉन को अपने टीम से मिलवाती है, जिसमें कि मार्टियो और वैलेंटिना होती है। वहाँ एक और पेशेंट भी होता है जिसका नाम है पाखर। पाखर जॉन से मिलता है, वैलेंटिना जॉन का कुछ टेस्ट करती है। सीन फिर शिफ्ट होता है जहाँ जॉन और सिसिलिया साथ बैठे होते हैं। जॉन सिसिलिया को अपने काम के बारे में बता रहा होता है कि तभी वहाँ ग्रेब्रिलिया आती है, जो जॉन को गुड लक के लिए एक वाइन का बॉटल देती है, जिसमें सिसिलिया कहती है कि आप ये बस ऑपरेशन के बाद ही पी सकते हैं। रात को जॉन जब सो रहा होता है, तभी अचानक उसकी नींद खुलती है। खिड़की से बाहर देखने पर उसे कुछ दिखाई देता है। जॉन बाहर आता है, जहाँ वो देखता है कि कार्लोस अपने साइकिल का टायर ठीक कर रहा होता है। जॉन कार्लोस का टायर ठीक कर देता है, जिसके बाद उन दोनों का एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। अगली सुबह सिसिलिया जॉन को बताती है कि आपकी सर्जरी डॉक्टर कोर्टेज करेंगे, जो कि एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर है। सर्जरी शुरू होता है और जॉन उसको स्क्रीन में देख रहा होता है। धीरे धीरे एनेस्थीसिया के चलते जॉन को नींद आने लगती है, जिसके बाद डॉक्टर स्क्रीन को अपनी तरफ घुमा लेता है। जॉन का जब नींद खुलती है, तो वो देखता है कि वो एक दूसरे कमरे में है। सिसिलिया वहाँ आती है और जॉन को बताती है कि वो लोग उसको एक दूसरी जगह लाए हैं कुछ टेस्ट के लिए, और ये भी कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रहा। सिसिलिया जॉन को सारे रिपोर्ट्स दिखाती है, जिसको देख के जॉन कहता है कि ये सब तो नॉर्मल है। सिसिलिया जॉन से कहती है कि आप अभी रेस्ट करिएगा और ये कुछ मेडिसिन है जिसको आपको कुछ दिनों तक लेना होगा। धीरे धीरे वक्त पार होने लगता है। जॉन कभी पार्क में बैठता है, अपनी डायरी में कुछ ड्राइंग बना रहा होता है, तो वो कभी वॉक करता है, और ऐसे ही टाइम बीत जाता है। एक दिन जॉन एक वाइन का बॉटल लेके वही पुरानी बिल्डिंग में आता है, जहाँ वो ग्रेबिलिया को ढूंढता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। वो नीचे आके देखता है कि सारा सिस्टम और वो सब हॉस्पिटल और इक्विपमेंट सब फ्रॉड था। वहाँ अब कोई भी नहीं होता। वहाँ एक टीवी स्क्रीन पर एक ब्रेन सर्जरी का वीडियो चल रहा होता है, जिसको देख के जॉन समझ जाता है कि असल में वो वीडियो कोई सर्जरी का नहीं था, बल्कि वो तो पहले से ही एक डाउनलोडेड वीडियो था। जॉन गुस्से में उस वाइन की बॉटल को जमीन पर पटक देता है। नेक्स्ट जॉन डियागो को किडनैप करता है, जिसके बाद वो उसको एक जगह बांध कर रखता है। डियागो के दोनों हाथों में बॉम्ब फिक्स किया होता है, जिसके तार उसके हाथ के मसल्स के अंदर फिट किए होते हैं। उसका दोनों हाथ तार से बंधे होते हैं और दोनों हाथ में एक चाकू होता है। डियागो असल में वही डॉक्टर कोर्टेज था जिसने जॉन की सर्जरी की थी। जॉन डियागो को गेम का रूल बताता है। जॉन कहता है कि तुम्हारे दोनों हाथों पर दो एक्सप्लोजिव फिट है, जिसमें टाइमर लगा है। एक्सप्लोजिव के तार काटने से भी टाइमिंग नहीं रुकेगा, इसलिए तुम्हें अपने दोनों हाथों के मसल्स को काट कर फेंकना होगा, जैसे कि एक कैंसर सर्जरी में होता है। इससे पहले कि डियागो कुछ बोलता, टाइमर स्टार्ट हो जाता है। डियागो पहले तो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता और खुद को बचाने का उसके पास यही एक ऑप्शन होता है। वो अपने हाथ के मसल्स को उस चाकू से काटने लगता है। ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। डियागो एक एक करके अपने दोनों हाथों के मसल्स को काट कर वो एक्सप्लोसिव निकाल कर फेंक देता है, जिसके बाद वो बम फट जाता है और डियागो बच जाता है। वो खून से पूरा लथपथ हो चुका था, लेकिन उसकी जान बच जाती है। इसके बाद जॉन वहाँ आता है और कहता है कि तुम अब सेफ हो, तुमने गेम जीत लिया। जॉन इसके बाद कोई एक डिटेक्टिव को कॉल करता है और कहता है कि उसको उसका हेल्प चाहिए। सीन एक क्लब पार्टी में शिफ्ट होता है, जहाँ हम वैलेंटिना को देखते हैं। पार्टी के बाद वो एक आदमी के साथ उसकी गाड़ी में आती है, जहाँ वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करना चाहता है, लेकिन तभी कोई उस आदमी को पीछे से मारता है और साथ ही वैलेंटिना को पकड़ लेता है। सीन फिर मार्टियो के यहाँ शिफ्ट होता है, जहाँ ग्रेविलिया उसे कुछ ड्रग्स लेने आती है और वो उसे ड्रग्स दे देता है। मार्टियो ग्रेविलिया से कहता है कि इसकी आदत बनाना ठीक नहीं है। उसके चले जाने के बाद मार्टियो जब वो वहाँ अकेला होता है, तब कोई पीछे से आके मार्टियो को इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश कर देता है। सीन फिर ग्रेविलिया पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो एक बाथरूम के अंदर उस ड्रग को ले रही होती है। उसे वहाँ कोई दिखता है, जिसके बाद वो बाहर आती है कि तभी उसको आगे से मार कर बेहोश कर देते हैं। इधर सिसिलिया अपने घर में होती है, जहाँ उसे कोई दिखता है। सिसिलिया जब सीसीटीवी चेक करती है, तभी उसे दिखता है कि उसके ऊपर फ्लोर में कोई है। वो वहाँ से भागकर पार्किंग में जाती है और गाड़ी के अंदर आ जाती है। जहाँ गाड़ी स्टार्ट करते ही उसे वही इंसान दिखाई देता है जो कि उसके घर में भी था, एक मास्क पहने हुए। तभी पीछे सीट पर बैठा जॉन सिसिलिया को एक इंजेक्शन से बेहोश कर देता है। वो इंसान जब अपना मास्क उठाती है, तब हम देखते हैं कि वो एक लड़की है, जिसने वैलेंटिना, ग्रेब्रिलिया और मार्टियो को भी किडनैप किया होता है। सीन फिर एक फैक्ट्री में शिफ्ट होता है, जहाँ ये चारों बंधे हुए होते हैं। तभी जॉन और वो लड़की वहाँ आती है और वो सिसिलिया के फोन को लेके उसको टेबल में रख देती है। इसके बाद जॉन सिसिलिया से कहता है कि तुम एक फ्रॉड हो, हमने तुम्हारे सारे डिटेल्स चेक किए हैं और जितने भी लोगों का तुमने ट्रीटमेंट किया है, वो सारे मर चुके हैं। तुम्हारे घर से मिला सारा कैश जो कि अब हमारे पास है, वो इस चीज़ का प्रूफ है।
जॉन उन सबसे कहता है कि वो सबका साथ एक गेम खेलेगा और जिसने वो गेम जीत लिया वो बच जाएगा। जॉन वैलेंटिना की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पैर में एक निशान बना हुआ है जिसको तुम्हें इस सौ से काटना होगा। हमारे शरीर में एक पाउंड से भी ज्यादा मैरो होता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ 90 ml ही चाहिए होगा खुद की जान बचाने के लिए। वैलेंटिना के गर्दन के चारों ओर एक तार बंधा हुआ होता है। जॉन कहता है कि अगर तुमने 3 मिनट के अंदर 90 ml मैरो उस कंटेनर में फिल कर दिया तो तुम बच जाओगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मशीन एक्टिवेट हो जाएगी और ये तार तुम्हारे गर्दन को चीरते हुए चला जाएगा। जॉन सबसे कहता है कि इस गेम में सबको एक चांस मिलेगा, लेकिन गेम ना खेलना ऑप्शन में नहीं है। जॉन और वो लड़की फिर ऊपर चले जाते हैं जिसको वो विंडो ग्लासेस से सबको देख रहे होते हैं। वैलेंटिना जैसे ही उस सौ को पकड़ती है 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सिसिलिया उसे कहती है कि तुम ये कर सकती हो। वैलेंटिना सौ लेती है और उसको अपने थाई के आर पार चलाने लगती है जहाँ वो मार्क किया हुआ था। कुछ मिनट के अंदर वो अपना पैर को पूरी तरीके से काट कर उसे अलग कर देती है और वहाँ खून ही खून भर जाता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इधर टाइमर में धीरे धीरे टाइम खत्म होता जाता है। वैलेंटिना एक ट्यूब लेके अपने मसल्स के अंदर उसे डाल देती है, जिसके बाद उसे पाइप के जरिए बोन मैरो उस कंटेनर में फिल होने लगता है। इससे पहले कि 90 ml तक वो भरता, टाइम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो मशीन स्टार्ट हो जाती है और वैलेंटिना का सर को उसके शरीर से अलग कर देती है। ये सीन शायद इस मूवी का सबसे खतरनाक सीन था। वैलेंटिना की बॉडी जमीन पर पड़ी होती है जहाँ उसका एक पैर कटा हुआ और गर्दन शरीर से अलग रहता है। वैलेंटिना गेम हार जाती है और इसके साथ अपनी जान भी। मार्टी और ग्रेविलिया ये देखकर बिल्कुल डर जाते हैं और जॉन से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन अब उन्हें यहाँ से बचाने वाला शायद ही कोई होता है। वो लड़की जॉन से कहती है कि क्या ये सब सही हो रहा है, जिस पे जॉन कहता है कि उन लोगों के पास जब चॉइस था तब उसने हम जैसे लोगों को फ्रॉड करने का फैसला लिया। वो लड़की कहती है कि सिसिलिया को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, जिस पे जॉन कहता है कि सबको एक मौका जरूर मिलना चाहिए। तभी उधर बार टेबल पर रखा सिसिलिया का फोन बजने लगता है। वो टेबल उन सब से बहुत दूर था इसलिए कोई उसे पकड़ नहीं पाता। सिसिलिया एक चाकू लेके आती है जिसके बाद वो वैलेंटिना के पेट को काट कर उसका लार्ज इंटेस्टाइन निकाल के ग्रेब्रिलिया और मार्टियो को उसको टेबल से लपेटने के लिए कहती है, जिसके बाद सिसिलिया टेबल को अपनी ओर खींच लेती है। सिसिलिया किसी को फोन कॉल करती है और जल्द से यहाँ आने को कहती है, जिसके कुछ देर बाद वो लड़की वहाँ आती है और सिसिलिया को इलेक्ट्रिक शॉक देके उससे वो फोन ले लेती है। सिसिलिया जॉन से कहती है कि मैं एक फ्रॉड हूँ, लेकिन मेरे पापा एक अच्छे डॉक्टर है, वो तुम्हें बचा सकते हैं, मैं उन्हें ही कॉल कर रही थी, जिस पे वो लड़की कहती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि घड़ी पर 5 बज रहे थे। तभी फैक्ट्री के बाहर पाकर आता है जहाँ वो लड़की कहती है कि जॉन मेहमान आया है। पाकर अपना गन निकालकर वहाँ आता है, लेकिन वो लड़की पीछे से उस पर अटैक कर देती है। जब पाकर आँख खोलता है तब वो खुद को कुर्सी पर बंधा पाता है। वो जॉन को बताता है कि ये लोग फ्रॉड है और वो अपना पैसा वापस लेने के लिए आया है। जॉन पाकर से कहता है कि सिसिलिया ने जो किया है उसके साथ उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तुम अभी बस इस खेल को देखो। वो पाकर से ये भी कहता है कि यहाँ के कुछ रूल्स है और यहाँ गन लाना अलाउड नहीं है। जॉन ये भी कहता है कि तुम्हें भी एक मौका मिलेगा खुद की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। वो लड़की नीचे जाती है और मार्टियो को चैन खोल कर उसे ले आती है। ग्रेविलिया उसे कहता है कि जॉन पागल है, वो तुम्हें भी मार देगा, जिस पे वो कहती है कि उसको अच्छे से जानती हूँ और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम मेरा कहना मानो और चुप रहो। खेल दोबारा शुरू होता है जहाँ मार्टियो एक व्हील में बंधा होता है और उसकी व्हील चेयर पर सर्किट लगा होता है। उसके सर के ऊपर एक कैमरा भी होता है। एक अजीब सा डॉल एक साइकिल में कुछ सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट वहाँ मार्टियो के पास ले आता है। जॉन मार्टियो को खेल समझाते हुए बताता है कि तुम्हें अपने ब्रेन में से एक टिश्यू निकाल के उस इंजन ग्लास पे रखना है, जिसके बाद वो टिश्यू पिघल जाएगा और वो बॉक्स खुद ही ओपन हो जाएगा। साथ ही तुम्हारे व्हील चेयर में लगे सर्किट भी ऑफ हो जाएगा। मतलब बिना एनेस्थीसिया के अपने ही सर काट कर उसके अंदर से एक ब्रेन का टिश्यू निकालना, इससे बड़ा दर्दनाक मौत भला क्या ही हो सकता है। जॉन बताता है कि तुम्हारे पास 3 मिनट का वक्त है और ये काम तुम्हें बड़े ही सावधानी से करना होगा, वरना तुम मारे जा सकते हो। इसके बाद वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। मार्टियो एक छोटा मशीन लेके अपने सर के एक हिस्से को काट के, जिसके बाद वो एक ब्लेड जैसा कुछ लेके अपने सर में अंदर घुसे एक टिशू को पकड़ता है और उसे खींच कर बाहर निकालता है और फिर उस एंजाइम के बॉक्स पर रखता है। वो टिशू पिघलना तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूरे तरीके से पिघलने से पहले ही मार्टियो का टाइम खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो सर्किट स्टार्ट हो जाता है और मार्टियो के फेस पर एक मार्क लग जाता है। मार्टियो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और कुछ देर बाद वो भी मर जाता है।
पार्कर ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है और जॉन से कहता है तुम पागल हो गए हो। जॉन उसको बताता है कि ये लोग हमें झूठी उम्मीद देके मारते हैं और मैं कम से कम इन्हें एक मौका दे तो रहा हूँ। वो लड़की जिसका नाम अमंदा है वो जॉन से कहती है कि सिसिलिया के पापा एक अच्छे डॉक्टर है, वो तुम्हें ठीक कर सकते हैं। जिस पे जॉन कहता है कि सिसिलिया खुद को बचाने के लिए अभी झूठ भी बोल सकती है और मेरा सच ये है कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। घड़ी में 6 बज जाते हैं और जिसके बाद जॉन कहता है कि हमें ये खेल जल्द ही खत्म करना होगा। ग्रेविलिया एक हियरिंग डिवाइस लेती है जिसमें से जॉन की आवाज आता है। वो कहता है कि ग्रेविलिया अब तुम्हारी बारी है और इस गेम को ना खेलना कोई ऑप्शन में नहीं है। ग्रेविलिया के हाथ और पैर रॉड के तार से बंधे होते हैं जिसके बाद वो हवा में लटकने लगती है। ग्रेविलिया की गेम ये था कि उसके सामने एक रेडिएशन की मशीन था जो कि एक एक मिनट के बाद स्पीड अप होता है और 3 मिनट से पहले ग्रेविलिया को एक लोहे के हथौड़े से उसके हाथ और पैर के चैन को तोड़ना था। खेल एक बार फिर से शुरू हो जाता है और रेडिएशन मशीन स्टार्ट हो जाती है। ग्रेविलिया सबसे पहले किसी तरह अपने पैर के चैन को तोड़ती है लेकिन इतनी देर में उसका चेहरा थोड़ा जल जाता है। सिसिलिया और ग्रेविलिया को लगता है कि उसने खेल जीत लिया है क्योंकि ग्रेविलिया अब लटकते हुए दूसरी तरफ आ गई थी, लेकिन रेडिएशन मशीन तभी घूम के दूसरी तरफ आ जाती है। ग्रेविलिया किसी तरह अपने हाथ से चेन को खोलती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है और जिंदा बच जाती है। जॉन अमंदा को कहता है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, लेकिन तभी पार्कर गन लेके उन दोनों पर तान देता है और चाबी मांगने लगता है। इसके बाद वो अमंदा और जॉन को नीचे लेके जाता है। पार्कर अमंदा से कहता है कि सिसिलिया की चाबी खोलो, जिसके बाद वो सिसिलिया की गर्दन का लॉक खोल देती है। पार्कर जॉन को ऊपर लेके आता है और वो लॉक जॉन के गले में डाल देता है। इधर वो अमंदा को भी अपनी चेन पैरों में बांधने को बोलता है। जॉन पार्कर से कहता है कि सिसिलिया एक सेल्फिश लड़की है और वो तुमको भी मार देगी, लेकिन पार्कर उसको बात नहीं मानता। इधर जॉन सिसिलिया को कहता है कि ग्रेविलिया को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ क्योंकि उसने गेम जीता है और वो जीना डिजर्व करती है। लेकिन तभी सिसिलिया जाके ग्रेविलिया की गर्दन पर पैर रख देती है और उसके गले की हड्डी तोड़ देती है। अमंदा सिसिलिया से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे अपने सारे दोस्तों को मार दिया। जिसपे सिसिलिया कहती है कि ये सब मेरे कोई दोस्त नहीं है, ये सब तो मेरे लिए बस काम करते थे और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि जॉन ने सबको मार दिया, अब मुझे शेयर कम देना होगा। पार्कर सिसिलिया से कहता है कि क्यों ना हम लोग जॉन के साथ ये गेम खेलें। सिसिलिया कहती है कि मैं जॉन को मरता देखना चाहती हूँ। तभी उन सबको बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। स्क्रीन पर हम देखते हैं कि कार्लोस बाहर फुटबॉल खेल रहा होता है। सिसिलिया कार्लोस के पास जाती है और उसे ले आती है। सिसिलिया को पता था कि कार्लोस को दर्द देने से जॉन को ज्यादा दर्द होगा क्योंकि उसकी बॉन्डिंग कार्लोस के साथ अच्छा है। जॉन ऑलरेडी एक ऐसा आदमी है जो अपनी मौत से तो नहीं डरता, लेकिन जब अपने सामने एक बेचारे बच्चे को मरता देखेगा तब उसे ज्यादा तकलीफ होगी। पार्कर उस बच्चे को गले में भी वो चेन लगा देता है। जॉन सिसिलिया से कहता है कि ये एक बच्चा है, कोई खिलाड़ी नहीं है। जॉन कार्लोस से कहता है कि मेरे कहने पर वो लीवर अपनी तरफ खींच लेना, जिसके बाद पार्कर वो लीवर खींच देता है। जॉन और कार्लोस दोनों की चेन अंदर जाने लगती है और वो एक रॉड की प्लेट में लेट जाते हैं। प्लेट ऊपर चला जाता है जिसके बाद दोनों के सर के ऊपर एक एक नल जैसा कुछ आ जाता है। कुछ देर में ही उन दोनों पर खून गिरने लगता है जो कि कार्लोस और जॉन के चेहरे पर गिर रहा होता है। कुछ देर बाद जॉन कार्लोस को बचाने के लिए लीवर अपनी तरफ खींच लेता है जिससे कि कार्लोस के सर के ऊपर का नल बंद हो जाता है। कार्लोस जब ये देखता है तब वो लीवर अपनी तरफ कर लेता है और जॉन को बचाने लगता है। उधर पार्कर और सिसिलिया ऊपर रूम में जाती है पैसे का बैग लेने के लिए। कुछ देर बाद जब वो बैग देखती है तब वो उसे हटा देती है जिससे वहाँ एक 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और सायरन बजने लगता है। कार्लोस और जॉन का नल भी अपने आप ही रुक जाता है, जिसके बाद जॉन चैन खोल के खुद को कार्लोस को बचा लेता है। इधर जिस रूम में पार्कर और सिसिलिया थे उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अमंदा भी अपनी चेन खोल लेती है। सिसिलिया गन लेके लॉक पर फायर करती है लेकिन गन के अंदर बुलेट्स नहीं होती है क्योंकि जॉन ने गन को पहले ही खाली कर दिया था। सिसिलिया पार्कर से पूछती है कि उनको तुम्हारे बारे में कैसे पता चला। कहानी एक छोटे फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि जॉन ने जब डिएगो को किडनैप किया होता है तब वो जॉन को बताता है कि पार्कर सिसिलिया का हैंडलर है। जॉन जब फोन पर किसी डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है तब वो उसे बताता है कि पार्कर तो तुम्हें खुद ढूंढना होगा। इसके बाद जब सिसिलिया वहाँ फोन लेके कॉल करती है तब वो असल में पार्कर को कॉल करती है, जिसके बाद पार्कर सिसिलिया को बचाने वहाँ आता है। जॉन अब अपने लास्ट गेम पार्कर और सिसिलिया के साथ खेलता है। जॉन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर बहुत जिंदगी बर्बाद की है लेकिन आज तुमसे कोई एक जिंदा रहेगा। तभी अचानक रूम के कुछ होल ओपन हो जाते हैं और उसमें से एक गैस बार रूम में आने लगती है।
साथ में एक दूसरा होल भी ओपन हो जाता है जिसमें कोई एक अपना मुंडी बाहर निकाल के खुद को बचा सकता है। सिसिलिया पहले जाके वहाँ अपनी मुंडी घुसा लेती है, लेकिन तभी पाकर आके उसे हटा देता है। फिर पाकर और सिसिलिया के बीच एक सर्वाइवल का फाइट होता है जिसके लास्ट में सिसिलिया पाकर को मार देती है और खुद को बचा लेती है। 10 मिनट खत्म होने के साथ ही वो गैस वाला होल बंद हो जाता है। जॉन वो पैसे का बैग कार्लोस को देता है और अमंदा के साथ बाहर निकल जाता है, जबकि सिसिलिया वही फंसी रह जाती है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो।